दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में दर्द होना कॉमन सी बात है। ऐसे में सबसे पहले ज़्यादा पैरों में, जोड़ों में, एड़ियों में दर्द होता है। मगर इस दर्द के होने के पीछे भी और भी कुछ वजह होते हैं, जैसे कि लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़े रहना, कोई चोट लगना, शरीर में कोई समस्या, या फिर शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में आप अगर एड़ियों के दर्द से परेशान हैं तो कुछ हम आपको घरेलू उपाय बताएंगे, और हम ये भी जानेंगे कि एड़ियों में जो दर्द होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का इलाज करने से पहले उसका वजह जानना जरूरी है, ताकि वो गलतियां हम बार बार ना करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एड़ी में दर्द होने का वजह। एड़ियों में दर्द होने का मुख्य वजह है दोस्तों प्लांटर फैसिटिस, या फिर एड़ी के प्लांटर फैसिया के उत्तकों में सूजन होना होता है। इसके अलावा वजन ज़्यादा बढ़ना, मोटापा हो जाना, हील स्लिप होना, ज़्यादा सूजने की वजह से भी, तनाव आने की वजह से भी हमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। हड्डी में फ्रैक्चर होने की वजह से भी एड़ियों में दर्द होता है। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी की वजह से भी एड़ियों में दर्द होता है। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों अलसी का तेल। अलसी के तेल में विटामिन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। ऐसे में एड़ी की मालिश करने के लिए, एड़ी के दर्द और सूजन को दूर करने के लिए अलसी का तेल बेहद ही फायदेमंद है। तो आप रोजाना रात को सोने से पहले अलसी के तेल से मालिश कीजिए। लेकिन अलसी के तेल से मालिश करने के पहले एक काम आपको और करना है। एक टब में आपको गर्म पानी डालना है और पैरों को थोड़ी देर के लिए उस पानी में डुबोकर रखना है। इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। 10 मिनट के बाद अपने पैरों को बाहर निकालें, इसे पोंछ लीजिए और सोने से पहले अलसी के तेल में 2 से 3 कली लहसुन की डालें। लगभग 10 से 20 ml अलसी का तेल लीजिए, उसमें 2 से 3 कली लहसुन के डाल दीजिए, उसे गर्म कीजिए, और जब लहसुन की कलियाँ काली पड़ जाए तो उस तेल से एड़ियों की मालिश कीजिए, पैरों की मालिश कीजिए, और ख़ासकर पैरों के तलवों की मालिश कीजिए। इससे बहुत ही अच्छा फील होगा और एड़ियों के दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आप स्ट्रेस में, तनाव में रहते हो तो तनाव मुक्त सोओगे, बहुत ही गजब की नींद आती है दोस्तों, ऐसा आप जरूर करके देखना। सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। सेंधा नमक में दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा होता है। यह मैग्नीशियम हड्डियों में जमा रहता है, ये हील स्पर के कारण एड़ी में होने वाले दर्द से आराम दिलाता है। इसके लिए क्या करना है कि हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स कर लें और उसमें पैरों को कुछ देर तक रखें, इससे दर्द से तुरंत छुटकारा मिलता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा हो और आप घर पे हों तो ये रेमेडी को जरूर आजमा के देखिएगा। मछली के तेल का सेवन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली का तेल दर्द और सूजन से छुटकारा दिलाने में काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसके अलावा प्लांटर फैसिटिस की समस्या होने पर आप फिश ऑयल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्रीम है आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। अगर आप मछली खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो हफ्ते में 2 से 3 दिन मछली जरूर खाएं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा जो एड़ियों के सूजन और दर्द से आपको छुटकारा दिलाएगा। इसके अलावा भी सेहत को बहुत फायदे देता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सालमन ओमेगा 3 फिश ऑयल का सप्लीमेंट आप ले सकते हो। इसे लगातार लेने से दोस्तों घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्या है उसमें आपको फायदा मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो उसमें भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड फायदा करेगा। शरीर का मोटापा बढ़ा हुआ है, गठिया की समस्या है, अर्थराइटिस समस्या है, तो उसमें भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो फिश ऑयल है ये फायदा करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके लगातार लेने से आप लंबे समय तक जमा दिखोगे, चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएगी, चेहरा हमेशा ग्लो करेगा, बाल अच्छे हो जाएंगे, नाखून अच्छे हो जाएंगे। तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो। अगला उपाय है दोस्तों हल्दी वाला दूध। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में माहिर होता है। इसके लिए क्या करना है आपको, एक गिलास दूध में आधी छोटी चम्मच हल्दी को मिलाकर उबाल लेना है। आप चाहें तो इसमें अपने स्वाद के हिसाब से मिश्री मिला सकते हो मिठास के लिए, और रात को सोने से पहले इसे पी लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाय पीते हो, चाय के शौकीन रखते हो, तो चाय जितना हो सके कम कर दीजिए। जी हाँ, मैं दूध वाली चाय की बात कर रहा हूँ। जितना हो सके कम कर दीजिए। अगर दिन में 1 या 2 कप पीते हो तो ठीक है, उस चाय में आप चुटकी भर हल्दी भी मिला सकते हो, इससे आपको फायदा करेगा। ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, एड़ी में दर्द होने पर ऊंची हील के जूते या सैंडल ना पहने और लंबे समय तक खड़े ना हो। शरीर में कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए, विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए कुछ डाइट बताता हूँ, वो आप फॉलो कीजिए। कैल्शियम को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा है दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करना। जी हाँ, अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। पनीर, छाछ, दही, लस्सी, दूध, इसका सेवन भरपूर कीजिए। इसके अलावा अन्न में आप खा सकते हो रागी। देखिए इस तरह का रागी दिखता है। रागी दोस्तों ये बाकी अन्न के मुकाबले इसमें 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने का
सबसे आसान रास्ता है। जी हाँ, ये रागी बहुत सस्ता मिलता है और ये आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा। अगर ना मिले कहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा लेना। आप इसका रेसिपी YouTube पे देख लीजिए, काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं इसके, तो आप इसे ज़रूर डाइट में शामिल कीजिए। हफ्ते में 1 से 2 दिन आप साबूदाना खाइए, इसमें भी कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है। घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द रहता है, शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो आप तिल का सेवन कर सकते हो। तिल में दोस्तों काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, सफ़ेद तिल में, जिस तरह का तिल जो देख रहे हैं आप तिल का सेवन जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 से 20 ग्राम रोज़ाना इसका सेवन कर सकते हो। अगर आप पित्त प्रकृति के हों तो तिल को भिगो कर सेवन करें। पित्त प्रकृति मतलब एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट हमेशा गर्म रहता है, गर्म चीज़ें खाते हों तो एसिड बनने लगता है, तो ऐसे लोग पित्त प्रकृति के होते हैं। तो अगर इस तरह की दिक्कत है तो तिल को आप भिगो कर खाइए। अगर आप वात प्रकृति के हैं या फिर कफ प्रकृति के हैं तो आप तिल को ऐसे ही खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन 15 से 20 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एड़ियों के दर्द से छुटकारा पा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना और जाते थे वीडियो को लाइक कर दो जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।